नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं तो कोई अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बगुला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शीला देवी के प्रतिनिधि पूर्व प्रधानाध्यापक राम वृक्ष प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पे इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि शीला देवी के समर्थन में हैं राम वृक्ष प्रसाद जी। पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं, कितने बच्चे को आगे बढ़ाए हैं, शिक्षित किए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 दिसंबर को मतदान है 10वां चरण में, तो कितना समर्थन इनके प्रत्याशी शीला देवी को मिलता है ये भी आपको आप तक पहुँचाएंगे, पल पल की जानकारी पहुँचाते रहेंगे। उससे पहले सर से कुछ रूबरू हो जाए। स्वागत है सर हमारे चैनल। जी मेरा मेरा नाम राम वृक्ष प्रसाद, मैं हाई स्कूल डंगरा के पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुका हूँ। अभी जो वर्तमान चुनाव हो रहा है पंचायत का, उसमें शीला देवी के पक्ष में मैं खड़ा हूँ और उनका सहयोगी हूँ। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना है कि गांव को स्वावलंबी बनाना, ग्राम स्वराज की ओर गांव को ले जाना, तो उसी दिशा में हम लोग विचार लेकर के और इस चुनाव में उतरे हैं। और मेरा प्रयास यही होगा कि हम लोग सर्वांगीण विकास के दृष्टि से, गांव को स्वावलंबी बनाने के दृष्टि से जितने आयाम हो सकते हैं विकास के, उन सबों को लेकर के और हम समग्र विकास के लिए काम करेंगे। यदि इस पंचायत चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका जितना संभव होता है तो हम इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, हमारा जो पृष्ठभूमि रहा है तो हम सामाजिक समरसता को लेकर, और यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, दोनों के बीच समन्वय कायम करते हुए प्रेम और भाईचारा को स्थापित करने के दिशा में हम काम करते रहे हैं, और इसीलिए दोनों समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं और काफ़ी संभावना है कि इसमें हमारा चुनाव हम जीतेंगे जी। और जीतने के बाद जो जनता का आकांक्षा है या उम्मीद है उस पर खरा उतरने का प्रयास हम क्या लग रहा करेंगे। पंचायत के सभी गांव में आप घूम रहे हैं, सभी बार में घूम रहे हैं, क्या आकांक्षा है, क्या उम्मीद है आप लोग शशिला जी? हाँ, इस बार जो हम देख रहे हैं पंचायत की जनता को काफ़ी उम्मीद है और चाहती है कि इस बार इनको चुनाव में जिताना है, और जिताने के बाद इनके जो विचार हैं विकास के, और पहले हमारी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, तो जो हम लोगों ने काम किया है पर्यावरण के दिशा में या गली नली के दिशा में, सिंचाई के क्षेत्र में, हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ किया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, विधवा विकलांग, जो वर्षों से उनका काम नहीं हुआ था, कोई 15 साल से विधवा थी, कोई जो 20-25 साल से विकलांग पड़ा हुआ था, उन लोग तमाम लोगों को हम उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ने का काम किए हैं, और ये सारे लोग हमारे पक्ष में इस बार खड़े हैं। क्या लग रहा है सर, जैसे आपकी पत्नी काम की थी, आप भी उनके साथ दिए थे, आपकी पत्नी के जैसा ये शीला देवी भी काम करेंगे पंचायत में? जी, एक हमारी जो योजना है उसमें हम लोग पंचायत के एक जो बुद्धिजीवी तबका है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और जो सामाजिक चिंतन रखते हैं, वैसे लोगों को मिलाकर एक हम लोग सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। और सलाहकार परिषद जो ये रूपरेखा जो तैयार करेगा विकास के, उसको जो है हम लोग साकार रूप देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, सभी गांव में घूम रहे हैं, सभी वार्ड में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। इतना हम लोग पिछले 2-3 चुनाव में हम लोग आए हैं जी। लेकिन जितना अभी जो हम लोगों के पक्ष में जनता गोलबंद हुई है, इतना कभी हम लोग को देखने को नहीं मिला था जी। क्या लग रहा है सर, इस बार अगर जीतती हैं आपके प्रत्याशी शीला देवी, तो कौन से काम को सबसे पहले करवाएंगी, कौन से काम को प्राथमिकता देंगी? इसमें जो सामाजिक रूप से समाज में जो निचले पायदान पर लोग खड़े हैं जी, तो प्रयास होगा कि हम इनको जो है विकास से जोड़ें, और
वो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, शौचालय का मामला है, जिन घरों में अभी भी गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है या बिजली नहीं गई है, तो इन चीज़ों को जो आवश्यक आवश्यकता है उनकी, वो गरीबों के घर में नहीं पहुंचा है, तो उनको हम पहुंचाने का काम। सर, आप शिक्षक थे, शिक्षक रहे हैं, प्रधानाध्यापक रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? जी, अभी मैं बता दूं, हम लोग जिस शिक्षा से जुड़े हुए थे जी, वो तो वितरित शिक्षा नीति के तहत हमारा विद्यालय चल रहा था जी, जी। और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा कर आज 40 वर्ष पहले से जिस विद्यालय में लगे थे, जहाँ शिक्षा का कोई चिराग जलाने वाला यहाँ नहीं था, उस समय स्कूल में हम लोग अपना जो है सेवा दे करके निःशुल्क जी, जी, बिना वेतन के उस सेवा दे करके काम किए हैं, और आज जो उसका जो परिणाम आया है, समाज में बहुत सारे महिलाएं खास करके शिक्षित हुई और वो सब जो है से समाज में काम कर रही हैं। सर, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से अपने बगुला पंचायत के जनता से, वासियों से क्या कहना चाहेंगे? सर, अपने पंचायत के वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप जो है अपना उम्मीद बनाए हुए हैं, आप अपना जो है सबसे बड़ा जो औजार है मतदान का, मत का, वो दे करके और अपने जो है योग्य प्रतिनिधि को जगह पर बैठाएं और उनसे जो है से विकास का काम कराएं। ये थे हमारे साथ राम ब्रिज प्रसाद जी, जो शिक्षा के मुद्दे पे और भी तमाम बुनियादी सुविधा के मुद्दे पे इन्होंने बात कही, और इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि पंचायत की जनता हमारे साथ है, और फिर से जैसे इनकी पत्नी को मुखिया बनाए थे यहाँ की जनता समर्थन देकर, उसी तरह से शीला देवी को भी समर्थन मिलेगा, ऐसा कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है। और इनका ये भी दावा है कि अगर शीला देवी मुखिया बनती हैं तो पंचायत में सर्वांगीण विकास करेंगी, पंचायत को और आगे बढ़ाएंगी। तमाम मुद्दे पर इनसे चर्चा कर रहा था, तो देखते रहे जेटीवी बिहार न्यूज़।